हेलो गाइस, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी इन्फो। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी वेबसाइट को हम आधे घंटे में पूरा कंप्लीट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस एक सीएमएस है जिसका फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये एक ओपन सोर्स है जो बना है पीएचपी के बेस पे। वर्डप्रेस को बेसिकली जो यूज किया गया है सबसे पहले वो ब्लॉकचेन से यूज किया गया था, बट इसकी लोकप्रियता इतनी हो गई कि फिर इसको बाद में वेबसाइट बनना शुरू हो गया, ठीक है। वर्डप्रेस पे काम करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को जरूर पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी वेबसाइट को हम बना रहे हों तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, हमारा जो वेबसाइट हो वो पूरा का पूरा अपडेटेड हो, हमारा जो पीएचपी लैंग्वेज हो वो बिल्कुल अपडेटेड हो, हमारा जो सर्वर हो वो बिल्कुल ही अपडेटेड हो, ठीक है। हमारा सर्वर जैसा अपडेट होगा, हमारा सर्वर जितना फास्ट होगा हमारी वेबसाइट उतनी फास्ट लोड होगी। अब चूंकि ज़माना जो है वो एसईओ का है, कोई भी अगर बंदा किसी भी वेबसाइट को बनाता है तो वेबसाइट बनाने के बाद उसका सबसे पहला फंडा यही होता है कि हम इसको गूगल पे कैसे दिखाएं। तो बेसिकली जो वर्डप्रेस है ये बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट है और यहाँ पर आप गूगल पे किसी भी पेज को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका उसमें पेज का टाइटल और कीवर्ड पेज के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे वेबसाइट को हम बनाते हैं वर्डप्रेस पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोमेन से। डोमेन क्या है? डोमेन है जहां पे आपका जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट्स का जो नाम होता है उस नाम के बेस पे हम डोमेन को परचेस करते हैं। डोमेन जो है वो गोडैडी से भी परचेस होता है, डोमेन जो है होस्टिंगर से भी परचेस होता है, डोमेन जो है वो ब्रिक्स से भी परचेस होता है, डोमेन जो है वो होस्टिगेटर से भी परचेस होता है। तो हम यही समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं गूगल पे जो डोमेन को परचेस करने की अथॉरिटी देता है, ठीक है। अब बात रही कि डोमेन को हम परचेस करें या नहीं करें, ठीक है, क्योंकि डोमेन बाद की बात होती है। सबसे पहले बात होती है कि हम वेबसाइट को कैसे बनाएं और कहां पे बनाएं, ठीक है। अगर मेरे पास डोमेन ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक अपने सिस्टम पे XAMPP सर्वर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और जो XAMPP सर्वर है वो कुछ इस तरह का दिखता है, ये देखिए आप, ठीक है। ये XAMPP का बेसिकली कंट्रोल पैनल है जो वर्जन है 3.2.4, ठीक है। इसमें जो है अपाचे XAMPP कंट्रोल पैनल है और उसका जो सर्वर है अपाचे, और जो हम डेटाबेस यूज करते हैं वो है MySQL, मतलब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि हमें वेबसाइट बनाना होता है और वेबसाइट अगर हमें डायनामिक चाहिए होगा तो उसके लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम कई सारे टेबल्स को भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम PHP MyAdmin के पेज को खोलते हैं। अगर हम सपोज कोई होस्टिंग लिए हुए रहते हैं और उसका कोई सी पैनल होता है जिसको कहते हैं कंट्रोल पैनल, ठीक है। सी पैनल मतलब कंट्रोल पैनल। अगर कंट्रोल पैनल होता है तो उस कंट्रोल पैनल में PHP MyAdmin होता है सेक्शन एक, जहां पे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। अब चूंकि मेरे पास तो सी पैनल है नहीं जो होस्टिंग के लिए हो, ये मेरा लोकल सर्वर है, इस लोकल सर्वर पे हमारा कंट्रोल पैनल होता है और इसके अंदर MySQL होता है। MySQL के सामने में ये एडमिन पैनल होता है। जैसे ही इस एडमिन पैनल को हम क्लिक करेंगे तो मेरा लोकल होस्ट PHP MyAdmin
ये पेज खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने बस यूं ही उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, जो डेमो वन है, डेमो टू है, डेमो थ्री, ये तीनों ही बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करने के लिए क्या होता है क्यूरी, तो आपको जानना चाहिए कि मान लिया अगर हम कोई भी वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहला मुझे बेसिक HTML और CSS और JavaScript, ये तीन चीजों का एटलीस्ट बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर आपको डायनेमिक वेबसाइट बनानी हो विदाउट एनी यूजिंग वर्डप्रेस, तो आपको MySQL जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है डेमो वन। ठीक है, अच्छे से ही मैं इसको गो करूंगा तो मेरा डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। देखिए यहाँ से डेमो वन हट गया, अब मैं उसी तरह डेमो टू को भी हटाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए डेमो टू को हटाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, SQL में, एंड सेम क्यूरी हमें लिखना है, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम डेमो टू। ठीक है, जैसे ही मैं गो करूंगा तो जो डेमो टू है साइड बार में वो वहां से हट जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेम मैं यहाँ पे फिर से करूंगा, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम डेमो थ्री। ठीक है, तो गाइस अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप हमें बताइएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फ्रेश एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ इस PHP माय एडमिन पे, तो ये जो न्यू है, इस न्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक खुलकर आएगा पेज जो लिखा हुआ होगा क्रिएट डेटाबेस, मतलब हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो सपोज मैं डेमो वन के नाम से मैं डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये डेटाबेस मेरा डेमो वन हो गया। ठीक है, अब इसके लिए मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड जानना चाहिए। ठीक है, मगर जब हम लोकल सर्वर पे काम कर रहे होते हैं तो लोकल सर्वर पे जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड होता है, ठीक है, यूजर नेम होता है रूट और पासवर्ड कुछ नहीं। ठीक है, हम पासवर्ड अगर हम रखना चाहें तो हम प्रिविलेज सेक्शन में जाकर हम रख सकते हैं, बट फिर ये क्या होगा कि अगर हम कुछ दूसरा डेटाबेस अगर हम बनाएं तो फिर वहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो बेहतर है क्या कि जो बाय डिफॉल्ट है वो हम उसको रहने देते हैं। अब दूसरा चीज है क्या कि अगर हम वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म पे अगर हम किसी भी वेबसाइट को हम बनाने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहला वर्डप्रेस का पूरा फाइल डाउनलोड होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहला डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस के पूरे जिप फाइल को, तो हम क्या टाइप करेंगे, डाउनलोड वर्डप्रेस, ये आपका ऊपर में सबसे पहला में खुलकर आया जो एक लिखा हुआ है डाउनलोड वर्डप्रेस .org, तो हम वहां पे जाएंगे। जैसे ही हम नीचे आएंगे तो हम देखेंगे क्या कि ये आपका वर्डप्रेस क्लिप फाइल है जिसका वर्जन है 5.7.1, हम इस पे क्लिक कर देते हैं, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब हम इसको हटाते हैं जब तक हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जब तक वो कंप्लीट होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला बात वर्डप्रेस होस्टिंग, बेसिकली क्या है कि हमने जैसा बताया आपको कि बहुत सारे ऐसे हैं वेबसाइट जहाँ पे आप डोमेन को परचेस कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो होस्टिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जैसे गोडैडी, बहुत ही सिंपल लेकर चले तो गोडैडी एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आपको सर्वर, होस्टिंग एंड डोमेन सभी चीज आपको मिलते हैं। ठीक है, एंड साथ साथ अगर आपको SSL चाहिए होता है, मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मगर वो क्या है कि जो आपके गोडैडी है वो लाइट स्पीड सर्वर प्रोवाइड नहीं कराता है, और हमारा जो वर्डप्रेस है ये स्मूथली अगर काम करता है तो वो सिर्फ काम करता है आपके लाइट स्पीड सर्वर पे। ठीक है,
लाइट स्पीड सर्वर जो है ये एक साइट ग्राउंड प्रोवाइड कराती है और एक ब्लू होस्ट प्रोवाइड कराती है, और एक कौन है, होस्टिंगर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि साइट ग्राउंड है क्या। साइट ग्राउंड ऑफर्स अ टॉप टायर वेबसाइट परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट रिगार्डलेस ऑफ योर टेक्निकल स्किल। जॉइन मिलियन ऑफ हैप्पी क्लाइंट्स यूजिंग देयर वर्डप्रेस। ब्लूहोस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ब्लूहोस्ट हैज टर्न्ड पैशन फॉर वर्डप्रेस इनटू द फास्टेस्ट सिंपलेस्ट मैनेज्ड प्लेटफॉर्म फॉर योर वेबसाइट रिकमेंडेड बाय वर्डप्रेस सिंस 2005। ईच वर्डप्रेस पैकेजेस ऑफर्स अ फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल एंड 24/7 सपोर्ट। ठीक है, एंड सेम ब्लूहोस्ट के जैसा होस्टिंग है, वो भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये वर्डप्रेस 4.7.1 वर्जन वाला कंप्लीट हो गया डाउनलोड। अब हम इसको शो ऑल में जाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आपका जिप फाइल है, हम इसको कंट्रोल सी करते हैं और फिर हम क्या करते हैं ये। ठीक है, ये मैंने कहा रखा है, बेसिकली जब हम जैम्प को हम इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे ड्राइव पूछा जाता है कि किस ड्राइव पे आप जैम्प के फोल्डर को रखना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारा जो जो सी है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कोई भी अगर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये सी सी ड्राइव में जाकर सेव होता है। क्योंकि हमारे पास मतलब स्पेस थोड़ा कम है, तो हम क्या किया है, हमने किया है कि ये एफ ड्राइव में ही एग्जाम्प नाम का फोल्डर है, यहाँ पे हमने सेव कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे जैम के अंदर हम देखेंगे एच टी डॉक्स को हम ओपन करेंगे, उसके बाद फिर जो मैंने फाइल को कॉपी किया है यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान रहे हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो zip फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज है जो बाय डिफॉल्ट इस जो वर्डप्रेस का जो फोल्डर है इसमें बहुत सारे ऐसे कोडिंग पहले से ही किए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे बेसिक जो है प्लगइन्स वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, ताकि वर्डप्रेस जैसे ही हम सक्सेसफुली अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर कर लें लोकल होस्ट पे, तो हमारा काम फिर वहां से स्टार्ट हो जाए वेबसाइट को बनाने का। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इसको और भी अच्छे से डीपली वे में लेकर चलेंगे कि कैसे भी वेबसाइट को हमें बनाना है। ठीक है, और वेबसाइट को बनाते वक्त हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना है जिससे कि हमारा वेबसाइट स्मूथ भी काम करे और हमारा वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली भी हो और हमारा वेबसाइट साथ साथ जो एक हैकर होते हैं उस हैकर से हम बचाएं। ठीक है, आज के ज़माने में सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या होता है कि लाखों लाख दुनिया में वेबसाइट बनते हैं एंड लाख की तादाद में वेबसाइट हैक होती है। वेबसाइट हैक होने का वजह यह है कि आपका जो क्यूरी होती है, जो डेटाबेस क्यूरी होती है, अगर वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई भी लूपहोल्स अगर पाया जाता है, तो आपके हैकर उस डेटाबेस को आसानी से हैक करके आपके वेबसाइट पे घुस सकते हैं। ठीक है, तो हमें उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। और हम साथ साथ ये भी बात बताएंगे कि अगर वेबसाइट को अगर हम बना रहे हो तो वेबसाइट की स्पीड क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी एसईओ का ज़माना है और जितनी वेबसाइट फास्ट होगी, जितनी वेबसाइट की लोडिंग अच्छी होगी, उतनी आपका एसईओ रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर दूंगा। हाँ, और दूसरा चीज़ है कि ये मेरा YouTube चैनल है, तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लें पहले से, ताकि कुछ भी मैं अगर अपडेट करता हूँ अपने चैनल पे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो ये चीज़ को आप मत भूलिएगा। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री लर्निंग चैनल है, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ की जानकारी मिलेगी, चाहे वो वेबसाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो
technology से related हो. Each and every information I'll share on this channel. So please stay tuned with us. Now it's going to complete. Yeah, already. And again, I will click here Control and X. And again, come here and paste. ये जो मेरा WordPress का जो folder है version के साथ हम उसको delete कर देते हैं. और ये जो WordPress का जो zip file है हम इसको भी डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा स्पेस बचा रहे. अब हम क्या करते हैं, सिंपल है. ये जो मेरा फोल्डर है, इस फोल्डर को हम कॉपी कर लेते हैं. कॉपी, और यहाँ पे हमने लोकल होस्ट लगाया है तो लोकल होस्ट को कॉपी कर लेते हैं. और यहाँ पे हम क्या करते हैं, WordPress WordPress के पाथ को हमने यहाँ पे टाइप कर दिया. अब ये क्या पूछ रहा है, सेटअप कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि WordPress एक फोल्डर है और ये फोल्डर हमने F ड्राइव में जाकर HT डॉक्स के अंदर रखा है, ठीक है. और इस WordPress के अंदर हमें WP Admin नाम का एक फोल्डर बनेगा जो मैं आपको साथ साथ दिखाते ले चलूंगा. कहाँ पे है ये, ठीक है, ये मेरा WordPress है. यहाँ पे हमें तीन तरह का एक फाइल्स होती हैं, एक WP Admin जो मेरा अभी खुला है सामने में, ये आप देख सकते हैं, ये WP Admin. दूसरा है WP Content, तीसरा है WP Includes. और बाकी ये जो है, ये फाइल्स ऐसे होते हैं जो हम ना छेड़े तो बेहतर है, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहला अब हम क्रिएट करते जाते हैं. लैंग्वेज हमें अपने जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे. उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डेटाबेस नाम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड और होस्ट. टेबल प्रीफिक्स अगर आप देना चाहते हैं सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए तो आप इसको दे सकते हैं. लेट्स गो पे हमने क्लिक करा है. डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था याद है, तो डेमो वन रखा था हमने. यूजर नेम क्या होता है आपको बता दिया था मैंने. यूजर नेम बाय डिफॉल्ट जो होता है सर्वर का वो रूट होता है. पासवर्ड बाय डिफॉल्ट ये नल होता है. और जो होस्ट है मेरा ये बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट पे है तो वो हम रखते हैं. और ये टेबल प्रीफिक्स है ये बाय डिफॉल्ट WP ले रहा है क्योंकि ये WordPress का ही है फंक्शनैलिटी सारा, तो ये हम करते हैं. अब चूंकि इसमें क्या है कि जब हम इसको जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम आते हैं इस डेमो के अंदर किसी भी तरह का कोई भी टेबल नहीं क्रिएट है. बट जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा ना तो इसके अंदर हमें 15 टेबल्स इंस्टॉल हो जाएंगे पीएचपी माई एडमिन में, ठीक है. अब मैं सबमिट कर रहा हूँ इसको, रन इंस्टॉल करूं. अब हमें साइट का टाइटल दे देना है. साइट का टाइटल क्या मैं दे रहा हूँ, डेमो वेबसाइट. यूजर नेम मैंने दे दिया डेमो वेबसाइट को ही, और पासवर्ड मैंने दे दिया है जो आसानी से हम याद रख सकते हैं, हेलो डेमो वन, ठीक है. ये बता रहा है कि वीक पासवर्ड है क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं कोई स्पेशल कैरेक्टर्स को हमने यूज करा है और नहीं हमने
कैपिटल या स्मॉल लेटर को मिक्स करके यूज करा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पूछ रहा है कि कंफर्म पासवर्ड को आप यूज करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा जी हाँ। और दूसरी चीज है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर ये कंप्लीट हो जाए तो आपके पास एक ईमेल जाएगा, वो ईमेल कौन सी होनी चाहिए, तो आपको जो लगता है वो मैं यहाँ पे फिलहाल अपना दे रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका देखिए ये पार्ट, ये सर्च इंजन विजिबिलिटी डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। ये बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस जो है वो एसईओ फ्रेंडली है, और अगर आप इसमें एसईओ कराते हैं गूगल पे अपने पेजेस को दिखाने के लिए, तो वर्डप्रेस बहुत ही इजी और बहुत ही फुल्ली एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट्स होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जैसे डिस्करेज करूंगा तो जो मेरा फाइल होगा, जो मेरा पेजेस होंगे, वो गूगल पे नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा भाई, क्योंकि ये जो गूगल पे दिखाने का काम होता है वो robots.txt का होता है, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो robots.txt में गूगल का जो एल्गोरिदम है उसको वो ब्लॉक कर देगा, और अभी मैं जब इसको क्लिक नहीं किया हुआ हूँ तो वो दिखाएगा। और ये कब काम करेगा, जब आपके पास एक रियल डोमेन होगा, क्योंकि हम अभी काम जो कर रहे हैं वो लोकल सर्वर पे कर रहे हैं बिना किसी डोमेन को यूज किए हुए। तो चलिए मैं अब इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मेरा यूजर नेम है डेमो वेबसाइट। मैं क्या करता हूँ, इसको याद रखने के लिए एक मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। यूजर नेम मैंने क्या करा था, डेमो साइट, और पासवर्ड जो था क्या था, हेलो डेमो वन, ठीक है, ये पासवर्ड है। और ऊपर है मेरा क्या, यूजर नेम, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब मैं लॉगिन कर रहा हूं, ठीक है। अब आप देखेंगे ना, ये इस फाइल को सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी इस पाथ को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं दूसरे टैब पे मैं ओपन करूंगा, ठीक है। अब देखिए ये मेरा डेमो वेबसाइट, ये मैंने यूजर नेम डाला था, मतलब टाइटल डाला था वेबसाइट का, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट जो टैग नेम होता है वो डाल दिया गया, इसको जब एडिट करना चाहते हैं या आप अपना जो भी वेबसाइट आपकी हो, ठीक है, उसके मुताबिक आप यहाँ पे टाइटल या टैग आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन करने के लिए क्या है, हमने क्या करा था, यूजर नेम हमने लिया था demo.c, control v, पासवर्ड हमने क्या रखा था, control c और control v। ठीक है, ये मेरा लॉगिन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो मैं स्टिकी नोट्स STICKY स्टिकी नोट्स मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा जो नोटपैड है, मान लिया अगर सपोज मैं भूल गया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरा सेव हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप हमें बताइएगा। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे सेव हो गया। अब मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है, when I open the next time then I'll get the same
content here on the sticky notes. So don't forget. And now you can close this application. Now अब हम आते हैं यहाँ पे, ये मेरा बेसिकली क्या है, वर्डप्रेस का एक डैशबोर्ड है, ठीक है। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड होता है जिस तरह आपका कोई भी चीज मैनेज करने के लिए एक पैनल होता है जिसको कंट्रोल पैनल कहते हैं, ठीक है। या यूं हम कहें कि आपका एक किचन है और उस किचन में कई सारा सामान है और वो सामान बिखरा पड़ा है, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसके लिए, या तो फिर आप एक अलमारी बनाते हैं, उस अलमारी में आप जो भी सामान है बिखरा हुआ वो उसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी पर्सन आए तो फिर वो आसानी से फाइंड कर ले, वो चीजों को समझ जाए, ठीक। उसी तरह यहाँ पे डैशबोर्ड होता है। ये डैशबोर्ड में क्या है कि हर एक चीज का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अब चूंकि वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस जो है वो सीएमएस बेस पे है, सीएमएस प्लेटफॉर्म पे है। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब यहाँ पे जितने भी वेबसाइट के जितने भी कंटेंट है वो हम यहाँ से, इस डैशबोर्ड से हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे, देखिए। अब मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि डैशबोर्ड के अंदर होम, अपडेट्स, अपडेट्स क्या है, आपके जो भी थीम है, ठीक है, मतलब थीम बोले तो मैं आपको बताऊंगा। पोस्ट मतलब जो आप ब्लॉग आप लिखेंगे, जो कंटेंट आप लिखकर आप पोस्ट करेंगे पब्लिकली, वो उसके लिए है। मीडिया क्या है, यहाँ पे इमेजेस के मीडिया होंगे, ठीक है, जो आप इमेजेस अपलोड करेंगे वो मीडिया में जाकर स्टोर होगा। पेजेस, जो आप वेबसाइट के लिए पेज आप बनाएंगे वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई अगर कमेंट करता है तो वो कमेंट को आप यहाँ से ऑथराइज कर सकते हैं या आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अपीयरेंस, ये अपीयरेंस क्या है, जो आपका थीम होगा वेबसाइट की, जो थीम होगी, जो थीम आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये ठीक है, ये एक थीम है। मैं थीम का नाम मैं बताऊंगा कि थीम कौन कौन से है। तो ये अपीयरेंस है, अपीयरेंस में क्या होता है, थीम का सारा मैनेजमेंट होता है, थीम होता है, थीम का कस्टमाइजेशन होता है, थीम में जो विजेट्स यूज होते हैं वो होता है, थीम में जो मेन्यू यूज होते हैं वो होता है, थीम का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, थीम की एडिटर, ठीक है, को हम एडिट कर, मतलब जो उसकी कोडिंग पार्ट्स होते हैं वो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर थीम में। जी बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस जो है वो प्रोवाइड कराता है 2020, 2021, 2019 एंड 2020, ठीक है। ये वर्डप्रेस का अपना है, ये हर साल, जैसे कि अभी 2021 है तो ये 2021 है, अगर सपोज ये 2022 होता तो क्या होता, 2022 होता, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव है, जैसे ही हमने जो वर्डप्रेस के जो फाइल है उसको हमने इंस्टॉल किया था, तो इंस्टॉल करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट इस थीम को 2021 को ये एक्टिव कर दिया था। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक थीम को सर्च करूँगा, ठीक है, और थीम को सर्च करने के बाद मैं इसमें डाउनलोड भी करूंगा, क्या है डेट, सॉरी गाइस, थोड़ी नेट में भी शायद है, नेटवर्क इशू हो, अब मैं ट्राई अगेन करता हूँ। कम ऑन, ऐड न्यू, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे थीम आ गए। तो वर्डप्रेस का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि इसमें, इसके अंदर एक थीम है, इस थीम में कई सारे आपको थीम प्रोवाइड कराती है वर्डप्रेस, जो आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई अलग थीम बनानी है तो फिर आप ये जो अपलोड थीम ऊपर में सेक्शन बना है, ठीक है ना, ये बटन जो है अपलोड थीम का, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा चूज फाइल आएगा, आप अपने सिस्टम के किसी भी ड्राइव के किसी भी फोल्डर में जो भी आपने फाइल या थीम आपने बनाया है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अब मैंने कोई थीम नहीं बनाया है, ठीक है, फिलहाल, क्योंकि हमने सिर्फ आपको ये काम कैसे करता है और हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं वेबसाइट वो हम आपको बताएंगे।
और साथ साथ अगर आपको जरूरत पड़े कि थीम कैसे बनाया जाता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल्स में, ठीक है। मगर वो हम चलेंगे धीरे धीरे। तो हम क्या करते हैं, मेरा जो पसंदीदा जो थीम है वो है KSTRA, एस्ट्रा। ठीक है, ये मेरा सबसे पसंदीदा थीम है। क्यों है पसंदीदा ये? सबसे पहली बात है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका वेबसाइट जितना हल्का होगा उतनी अच्छे से लोड होगी, ठीक है। तो वेबसाइट का हल्का जो होता है, जो वेबसाइट जितनी लाइट होती है, तो वो डिपेंड करते हैं आपके थीम के ऊपर, आपके फंक्शनैलिटी के ऊपर, आपकी जो प्रोग्रामिंग किया गया है ये उसके ऊपर, ठीक है। तो एस्ट्रा क्या है? एस्ट्रा एक ऐसा थीम है जो बिल्कुल लाइट वेट है और फास्ट लोडिंग थीम है। तो जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो बिना हिचकिचाहट के ये अच्छे से लोड होती है पेज स्पीड इन साइट पे। तो मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरा शायद थोड़ा नेट और स्लो चल रहा है, इसलिए ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हालांकि ये उतना टाइम नहीं लगता है। चलिए, ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं कैसे पहचानूंगा कि ये थीम इंस्टॉल हुआ है या नहीं, है ना, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, जो मेरा वर्डप्रेस है, ठीक है, जो इफ टाइप के अंदर, जैम के अंदर, स्टीडॉक्स के अंदर जो एक मेरा फोल्डर बना है वर्डप्रेस, इस वर्डप्रेस के अंदर WP एडमिन भी है, WP कंटेंट भी है, WP इंक्लूड, ये तीन फोल्डर ऐसे हैं जो बिल्कुल मेन फोल्डर है। बाकी ये जो है ये आपके पेज बनाए गए हैं और इस पेज को हमें छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, ये WP एक्टिवेटर जो भी हम थीम या प्लगइन को हम इंस्टॉल करते हैं तो वो एक्टिव और डीएक्टिव यहाँ से इस पेज से होता है, ठीक है। ब्लॉग के जो हेडर्स होते हैं वो यहाँ से ही पूरा फंक्शनलिटी काम करता है। कमेंट्स जो हम क्या नाम है अप्रूव करते हैं वो यहाँ से अप्रूव करते हैं। WP कन्फिग मतलब क्या है कि जो हमने डेटाबेस बनाया है वो डेटाबेस को यहाँ से हम कन्फिग करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा चीज है जिससे लॉगिन है, लोड है, WP मतलब जो भी थीम आपकी लोड हो रही है या लोडिंग फीचर्स आपने रखा है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। कोई मेल कर रहे हैं तो WP मेल इस तरह से है, उसके सेटिंग्स है, साइन अप है मतलब रजिस्टर करने के लिए है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि WP कंटेंट के अंदर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं थीम के अंदर देखूंगा तो ये देखिए एस्ट्रा मेरा आ चुका है, ठीक है। अब ये एस्ट्रा मेरा अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। क्यों भाई, क्यों एक्टिवेट नहीं हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी भी एक्टिवेट नहीं किया है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा थीम है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हो गया चेंज? कोई डाउट हो तो प्लीज हमें बताइएगा कमेंट में। ये थीम है, ठीक है। अब जैसे ही हम इस टेम्पलेट को, जैसे ही मैंने एक्टिव करा है, तो हम आते हैं कहाँ पे भाई, प्लगइन में। प्लगइन क्या है? प्लगइन जो वेबसाइट आपका काम करता है वो प्लगइन के बेस से काम करता है। प्लगइन बेसिकली है क्या, ये ग्रुप ऑफ फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस किसी भी पेज पे इंटीग्रेट कराया जाता है, या हम यू कह सकते हैं कि किसी भी पेज को अच्छे से परफॉर्म कराने के लिए, उसके फंक्शनलिटी को अच्छे से कॉल कराने के लिए हम प्लगइन को यूज करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है वर्डप्रेस ये दो प्लगइन को साथ में इंस्टॉल करता है, जिस तरह अलग से एक थीम को भी इंस्टॉल किया था।
हम क्या करते हैं, इस दोनों को मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये मेरा हो गया है स्टार्ट, सॉरी डिलीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एस्ट्रा ऑप्शंस में जाता हूँ, ठीक है। एस्ट्रा ऑप्शन की सबसे अच्छी खूबी क्या है भाई? एस्ट्रा ऑप्शन की सबसे अच्छी खूबी ये है कि आपको यहाँ पे थीम बनी बनाई मिलती है, ठीक है। आपको खुद से मतलब बनाना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, आपको बस सिंपली ये जो है, डू यू नो एस्ट्रा ऑफर्स अ फ्री लाइब्रेरी ऑफ स्टार्टअप टेम्पलेट, इम्पोर्ट योर फेवरेट साइट इन वन क्लिक एंड स्टार्ट योर प्रोजेक्ट विद स्टाइल, ठीक है। अब मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा बेसिकली। एक तो सबसे पहली बात है, ये तरीका मैंने बताया है कि प्री बिल्ट आपको थीम है, उस थीम के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिजाइंड थीम है जिसको आप आसानी से इंपोर्ट करा सकते हैं। दूसरा क्या है कि एक मैं थीम बनाऊंगा, बेसिकली क्या है कि एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करने के बाद बिना किसी भी थीम को इंपोर्ट किए हम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बेसिक से हम उसको बनाएंगे ताकि वो चीजें आपको दोनों एंड से क्लियर हो जाए। अब क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आप थीम को यूज करेंगे, जो आप पेज को डिजाइन करेंगे, जो आप पेज को बनाएंगे, तो पेज जो आप बनाएंगे उसके लिए आपको कौन से प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे चार पेज बिल्डर दिया गया है। पेज बिल्डर क्या है? पेज बिल्डर ये है जो हम पेज क्रिएट करते हैं वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो इसकी मदद से ये जो पेज बिल्डर है, जैसे एलिमेंटर हो गया, बीवर हो गया, गुटेनबर्ग हो गया, ब्रीजी हो गया, ठीक है। एक कंपोजर भी है जिसको कहते हैं विजुअल कंपोजर, उससे भी आप क्रिएट कर सकते हैं, वो बिल्कुल एडवांस है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एलिमेंटर की मदद से मैं इसको पेज क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं वैसे ही काम करूंगा, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा बिल्कुल फ्री वेबसाइट मतलब थीम के जो डिजाइन है यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं अपने तरीके से कोई भी वेबसाइट को मैं बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसको मैं एडिट भी करूँगा, मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल ये हम कैसे एडिट कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरी चीज है क्या कि अगर आपको कैटेगरी फाइंड करना हो कि हमें किस तरह की वेबसाइट चाहिए, कौन सी कैटेगरी की वेबसाइट चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए या ई कॉमर्स से रिलेटेड चाहिए, हमें किस तरह की चाहिए, ठीक है। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर आपको चाहिए वो मिल जाएगा, ब्लॉग से रिलेटेड चाहिए वो मिल जाएगा, या अदर्स, अदर्स में कौन कौन सा हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ठीक है, या आपका न्यूज पोर्टल हो गया। ये अदर्स में आ गए हैं। अब यहाँ पे ऑल है, फ्री हैंड एजेंसी है। ऑल में आपको पेड भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, एंड एजेंसी भी हो सकता है। फ्री वाले में अगर हम करेंगे तो ओनली फ्री वाला ही आएगा, ठीक है। और मतलब फ्री और पेड में क्या अंतर है? फ्री है, आपको बहुत सारे ऐसे फंक्शनैलिटी है जो आप यूज कर सकते हैं विदाउट पैसे को लगाए हुए, ठीक है। और पेड वाले में क्या है कि कुछ ऐसे फंक्शनैलिटी हैं जिसको अगर आपको लगता है कि ये भाई इसको एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तो फिर उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है डिफरेंस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ क्या, ये बेबी स्टोर, ठीक है। ये बेबी स्टोर एक मेरा थीम है, ठीक है ना। इस थीम में हमने क्या, हमें क्या मिल रहा है भाई? देखिए ये कुछ इस तरह था, मतलब हाँ लेआउट दिखेगा, ठीक है। जो अबाउट होगा, कॉन्टेक्ट होगा, होम होगा एंड टेस्टिमोनियल्स होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, गेट एजेंसी, ये जो है ना ये पार्ट, ठीक है। मैं बेबी को ही हम
इंपोर्ट करेंगे। ये अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एस्ट्रा के जो बेसिकली एस्ट्रा जो थीम है यहाँ पे हम पहुंच गए हैं, और अगर हम चाहें तो हम यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं वो थीम को। सॉरी, ये मैं आ गया आपके जो एस्ट्रा जो आपका थीम मैंने इंस्टॉल किया था, तो बेसिकली ये एस्ट्रा का प्रो वर्जन है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एडवांस फंक्शनलिटी चाहिए होगा देन यू विल हैव टू परचेस दिस, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट विद द फ्री वर्जन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं आता हूँ पीछे। मैं बेबी पे क्लिक करता हूँ और ऑप्शन ओके। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। बेसिकली क्या है, ये जो एजेंसी है, सो दिस इज द परचेज। एज आई टोल्ड यू दैट इफ यू वांट टू वर्क विद द फ्री थीम्स देन यू डोंट हैव टू स्पेंड, यू डोंट हैव टू स्पेंड अ पेनी, बट इफ यू वांट टू परचेज देन यू कैन गो विद द एजेंसी। सो बेसिकली एजेंसी क्या है, ये पेड वर्जन ऑफ थीम है, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट विद द फ्री थीम देन देयर आर लॉट ऑफ थीम्स व्हिच इज वेरी यू डोंट हैव टू पे बेसिकली। तो मैं कहाँ चलता हूँ, मैं कहाँ चलता हूँ, मैं फ्री वाला ही लेकर चलूंगा। मैं आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि अगर सपोज जो पेड वाला है हम उसको फ्री वाले में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें पूरा कस्टमाइज की जरूरत पड़ेगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे ना तो हम उसमें हम आपको बताएंगे कि जो एजेंसी टाइप की जो थीम होती है हम उसको कैसे बिल्कुल जीरो से अच्छे से बनाते हैं। देखिए इतनी सारी थीम है यार, कभी कभी क्या होता है कि खुद दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि विच वन शुड बी इंस्टॉल। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ चलो कोई नहीं, ज्यादा मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा तो फिर आपको ये दिक्कत हो जाएगा। चलो मैं ब्रांड स्टोर को ही मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली ई कॉमर्स में बहुत सारे लोगों को होता है क्या कि ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, तो चलो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे है क्या, स्किप एंड इम्पोर्ट और कैंसिल द पेज टेम्पलेट यू आर अबाउट टू इम्पोर्ट कंटेंट डायनामिक विजेट्स मॉडल, प्लीज नोट दिस डायनामिक डेटा विल नॉट बी अवेलेबल विद द इम्पोर्टेड पेज, यू विल नीड टू ऐड द मैनुअली ऑन द पेज, दिस डायनामिक कंटेंट विल बी अवेलेबल व्हेन यू इम्पोर्ट द एंटायर साइट, स्किप एंड इम्पोर्ट एडवांस इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन। यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि क्या मैं एक डेवलपर हूँ जिसमें मुझे वर्डप्रेस पे काफ़ी एक्सपीरियंस है, या फिर मैं बिगिनर हूँ।
बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करूँ बिगिनर से तो मैं आप लोगों को समझाने में काफ़ी क्या नाम है आसानी होगी। आप बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ और फॉर माई कंपनी। सो बेसिकली फॉर माई कंपनी, ठीक है। एंड आप अपना नाम दे सकते हैं, जैसे कि योस नेम मैंने डाल दिया। और चलो इसमें मैं अपनी ही आईडी डाल देता हूँ, सबमिट एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग मैं कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द इम्पोर्ट प्रोसेस में टेक अ टाइम यू टेम्पलेट्स। नो नो, आई एम जस्ट गोइंग टू सी द कंटेंट्स। और रे माई वेबसाइट इज फुल्ली इम्पोर्टेड, ठीक है। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इसको मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये एलिमेंटर है, हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं किसी भी चीज को। सॉरी यार, मैंने आधे घंटे का वीडियो बोला था, बेसिकली आधे घंटे में हम एडिट कर सकते हैं। बट मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि आप लोगों को हर एक चीज बताऊं जो वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ताकि कोई भी अगर मतलब ना जानते हो वेबसाइट बनाना, तो उनको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना आए, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ इंपोर्ट करना है और फिर आपको कस्टमाइज करना है, तो आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये फीचर्ड है इंटरव्यू शॉर्ट कोर्स, यू डोंट हैव टू यूज दिस, यू कैन इस पार्ट को मैंने हटा दिया। ठीक है, ये बिल्कुल पूरी तरह से इम्पोर्ट नहीं हुआ है। वजह यह है कि देखिए मैं अब इसको कहाँ है यार, ये ऐसे क्यों है? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं परमालिंक को मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो आईडी वाईडी आ रही थी ना, ये यहीं से ही आ रही थी। देखिए मैं क्या करता हूँ कि मैं पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये पेज और ब्लॉग के जो भी कंटेंट होंगे, मतलब जो टाइटल होंगे, ये डायरेक्ट उसको दिखाएगा जो बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली होता है।
देखते हैं मीडिया के अंदर क्या आया है। पेजेस में देखते हैं कि कौन कौन से पेजेस बने हैं। यार बेसिकली सिर्फ अभी होम पेज है बना हुआ। ये सिंपल पेज है। मैं क्या कर रहा हूँ उसको मैं ट्रैश कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों नहीं आ रहा। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर दूँ चीज़ें। अब मैं आ रहा हूँ कस्टमाइज में। ठीक है, कस्टमाइज में आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ आपको यहाँ से मैं बताते चलूंगा कि क्या क्या है इसमें। क्लिक हो जाए। देखिए ग्लोबल में जैसे टाइपोग्राफी मतलब टेक्स्ट का जो साइज क्या होना चाहिए, कलर क्या होनी चाहिए, कंटेनर की विड्थ क्या होनी चाहिए, उसका बटन का कलर कैसा होना चाहिए, डिजाइन कैसा होना चाहिए, हेडर बिल्डर मतलब अगर आप हेडर खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हेडर कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, उसकी प्राइमरी मेन्यू कैसा होना चाहिए, क्या वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, ब्रेड क्रम ब्लॉग साइड बार फुटर, ठीक है, होम पेज सेटिंग। हम यहाँ आते हैं, ये लेटेस्ट ब्लॉग है, यहाँ से हम स्टैटिक पेज पे जाते हैं। यहाँ पे हम होम पेज सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अभी मेरा कोई भी नहीं है पोस्ट पे, तो हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। अब जैसे ही हम ये जो मेरा आ रहा था ना ये वाला पार्ट देखिए अभी सही से काम कर रहा है। पहले क्या था, पहले ये आपकी पेज की आईडी बन रही थी। पेज की जो आईडी बनती है वो कहाँ से बनती है उसको मैं हटा देता हूँ और मैं आता हूँ सेटिंग के अंदर, परमालिंक्स के अंदर और ये जो है ना ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैं अब सिर्फ आपको बता रहा हूँ जब ये वेबसाइट अगर लाइव हो जाएगी डोमेन पे, ठीक है ना, तो फिर आपको जो परमालिंक्स है इसको छोड़ना नहीं है जब आपकी एसईओ चल रही हो तो, क्योंकि अगर आपका एसईओ अच्छा हो रहा हो, एसईओ का काम हो रहा हो वेबसाइट पे और अगर आप परमालिंक को छोड़ते हैं तो आपके रैंकिंग को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है, तो प्लीज़ इसको आप अवॉइड करें। मैं सिर्फ आपको लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, ये प्लेन है, ठीक है, कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए प्लेन में, तो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं। जो पीपी मतलब बोले तो पेज की मतलब पी रहेगा, पी मतलब बोले तो पेज और उसकी आईडी होगी। डे एंड टाइम मतलब पेज कब बना था, ठीक है, कौन से महीने में बना था, ये नंबर आपको बताएगा, ठीक है, ये आपको बताएगा पोस्ट का नाम। बेसिकली हमें पोस्ट का नाम देना, अगर हम कस्टम स्ट्रक्चर देते हैं तो भी चलेगा, बट कस्टम स्ट्रक्चर हम ना दें, ये कस्टम स्ट्रक्चर हो गया। जैसे कि हमने क्या करा कि पोस्ट नेम का डाल दिया, फिर मैंने क्या करा मैंने कैटेगरी भी डाल दी, ये कस्टम स्ट्रक्चर हो गया। बट आई डोंट हैव टू गो विद द कस्टम स्ट्रक्चर, बेसिकली वी हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन द पोस्ट नेम, ओके, एंड नाउ क्लिक ऑन द सेव चेंजेस बटन। So don't have to do this and if you click here then ये जो होम है ये होम हट जाएगा एंड ऑलरेडी हट गया है मेरे फोन से यार पहले ही, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि आपकी एक वेबसाइट डेमो वेबसाइट है ये बन गई है, ठीक है, वर्डप्रेस पे। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से मतलब मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बता ही देता हूँ ताकि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे ही आप पेजेस में आएंगे आपका होम पेज ऑलरेडी बना है, अब आपको चाहिए क्या, कौन कौन से पेज की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली क्या है, ये आपका एडिटर है जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस प्रोवाइड कराता है, बट आई डोंट हैव टू गो विद दिस, बेसिकली वी विल हैव टू यूज दिस एडिटर, दिस इज द पेज एडिटर।
So first and foremost, we'll have to write here the page name. Page name should be start with the keyword which is used in the SEO purpose. Okay. So if जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो हम क्या मतलब चार पेज तो बाय डिफॉल्ट होता है, एक होम पेज होता है, एक अबाउट होता है, ठीक है, अबाउट का मैंने पब्लिश कर दिया, इसे ही ये मैंने पब्लिश करा है, तो मैं क्या देखूंगा कि एक अबाउट ये पेज के अंदर जब मैं गया था फर्स्ट टाइम तो सिर्फ होम था, अब यहाँ पे आना चाहिए अबाउट, अबाउट आ गया, ठीक है, उसी तरह भी यहाँ पे मैनेज करते जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम कोई भी पेज क्रिएट करते हैं तो चार पेज तो बाय डिफॉल्ट होते ही होते हैं, अबाउट होता है, फिर एक होता है क्या कॉन्टैक्ट अस, जैसे ही मैं यहाँ पे देखूंगा रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस आना चाहिए, आ गया कॉन्टैक्ट अस। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक ब्लॉग, बेसिकली ब्लॉग होता है कि जब आपको कोई कंटेंट लिखना होता है और उसको पोस्ट करना होता है तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा जाता है, ठीक है, कि यूजर आए आपके वेबसाइट पे और बेसिकली आपके वेबसाइट पे जो कंटेंट पड़ा हुआ हो वो लोगों को अपनी ओर खींचे, हम उसके लिए हम ब्लॉग बनाते हैं, तो ये ब्लॉग होता है। तब हम जाएंगे इस पेज पे तो यहाँ पे मेरा चार चार पेज बन गया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ आपको डेमो स्टार्टर, ओके, ये अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज, फिर मैं आता हूँ अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर मुझे क्योंकि मेन्यू भी मुझे क्रिएट करना है तो मैं मेन्यू में भी आऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आऊंगा होम पेज के सेटिंग्स में, होम पेज के सेटिंग्स में मैं आ गया और मैंने क्या करा था उस वक्त स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करने के बाद होम किया था। अब चूंकि मेरा ज्यादा पेज नहीं बना हुआ था तो मैंने पोस्ट पेज पे मैंने कुछ नहीं सिलेक्ट किया था, बट मैं जैसे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि पोस्ट पेज पे ये मतलब आप कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या है कि कंटेंट को बेसिकली पोस्ट कराना है तो हम ब्लॉग का नाम देते हैं, ये बिल्कुल मतलब उसको क्या कहते हैं सिंपल एक वर्ड है जो हर एक लोगों को समझ में आ जाता है ब्लॉग, ठीक है, बहुत सारे इसको ब्लॉग को रीडर के नाम से सेव करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं जो उसको नॉलेज बेस के नाम से पेज बनाकर इसको सेव करते हैं। तो बेसिकली क्या है, ब्लॉग बहुत ज्यादा फेम है इसलिए हम इसको ब्लॉग के नाम से पेज बनाकर इसको सेट कर दिया एंड सेव कर दिया। अब मैं कहाँ जाता हूँ, मेन्यू में आता हूँ, जैसे ही मैं मेन्यू में आया यहाँ पे और इसको मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे है होम पेज ये, हाँ। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं सबसे पहले मेन्यू का नाम दूंगा जो मैं मेन्यू बनाने जाऊंगा, तो मेन्यू का नाम मैंने दे दिया क्या भाई, पी आर आई एम ए आर वाई प्राइमरी मेन्यू, या मेन मेन्यू भी मैं दे सकता हूँ, बट बेसिकली प्राइमरी एंड सेकेंडरी लोगों को समझने के लिए आसान हो गया था इसलिए मैंने प्राइमरी दिया। अब ये साइड में इनेबल हो गया है, मैं चारों को मैं सिलेक्ट कर दूंगा और ये मैं ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको अरेंज कर दूंगा, फिर मैं क्या प्राइमरी मेन्यू, डिस्प्ले लोकेशन क्या होना चाहिए, प्राइमरी मेन्यू होना चाहिए, जैसे इसको मैं सेव करूंगा
और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी आपका वो मेन्यू नहीं है। देन आई रिफ्रेश दिस पेज, देन वी विल सी द मेन्यू सेक्शन हियर। ओके रेजिडेंट डॉट्स, यू कैन कमेंट ऑल्सो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू गैस। ठीक है, अब जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो ये अबाउट, देखिए ये अबाउट ये खोला। अब ये मुझे लग रहा है कि मुझे कंटेंट इसमें डालना चाहिए, है ना। तो हम कंटेंट कैसे डाल सकते हैं भाई, बहुत इजी है। अबाउट अबाउट में जब हम जाएंगे तो पूछेगा कि आप इस पेज को कैसे एडिट करना चाहते हैं, मतलब रहता है वो उसके थ्रू करना चाहते हैं या जो एक पेज बिल्डर है एडिटर उसके थ्रू आप करना चाहते हैं। तो मैं बोलूंगा क्या कि नहीं भाई, मैं एडिटर जो एलिमेंटर का एडिटर मैं उससे यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अबाउट पेजेस में आपको टेम्पलेट चाहिए होगा देन यू कैन यूज दिस। ठीक है, ये बेसिकली टेम्पलेट है ना। अब मैं इसको यहाँ पे टाइप करता हूँ। ये सब अबाउट है, ठीक है ना। अबाउट मी, अबाउट अबाउट, आपको जैसा डिजाइन देना है यू कैन गिव डिजाइन। बट मैं क्या बोलूंगा, मैं यही बात बोलूंगा यार जो मैं हर बार यही बोलता रहा, हम इस किसी भी चीज को यूज नहीं करेंगे, हम एलिमेंटर को यूज करेंगे, है ना, क्योंकि ये हमें खुद का अपना बनाना है। वो तो बस मैंने बता दिया कि आपको आसानी हो जाए। पेज अगर आपको नहीं बनाने आता हो या नहीं समझ में आ रहा तो देन यू कैन टेक हेल्प। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इनर सेक्शन या तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ या तो मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। मैं या नींद आ रही है अब, चूंकि रात के अब 2:30 बज चुके हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा है, देखिए ये कंटेंट की विड्थ है, फुल विड्थ देना चाहते हैं या हाफ विड्थ देना चाहते हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ कि फिलहाल बॉक्स दे दूँ, है ना। और इसके अंदर जो मेरा कंटेंट हो वो कुछ इस तरह से हो, टेक्स्ट एडिटर पे डाल दिया हूँ। ठीक है, और डमी कंटेंट के लिए गूगल पे जाते हैं, DUMMY टमी टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल भी ठीक है, फिर मैं इंटर मारा कंट्रोल भी। ठीक है, ये बेसिकली डमी टेक्स्ट था, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कंटेंट पुट करना है देन हाउ कैन यू पुट द कंटेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिंदगी आ रहा हूँ। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको, ये मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया, है ना। अब ये जो है पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम, अब सब चीज आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, सभी चीज आप एडिट कर सकते हैं। आपको इसको एडिट करना है जैसे ये वर्डप्रेस का जो नाम आ रहा है, मतलब जो एस्ट्रा थीम आ रही है जो वर्डप्रेस की है, इसको अगर आपको हटाना है तो आप कस्टमाइज में जाके वेयर इज द फुटर सेक्शन, फुटर बिल्डर है, ये कॉपीराइट है, यहाँ पे देखिए ये पावर्ड बाई है ना, ये इसको अगर हम हटाएंगे ये बेसिकली, अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये वहां से हट जाएगा। देखिएगा
ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम, ये हट जाएगा, हट गया है ना। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय मी, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय ये, या कॉपीराइट जो आपके वेबसाइट का नाम है वो, ठीक है। आप कुछ भी आप दे सकते हैं एक्स वाई जेड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं होम पेज पे मैं आ रहा हूँ। वाओ, यू कैन सी, यू कैन फिल अप दिस पेज। सो सेम डिजाइन यू कैन यू कैन यू नो स्टार्ट विद ईच एंड एवरी पेजेस विद हेल्प ऑफ एलिमेंटर। अभी ये मैं आ गया यहाँ पे, है ना। ये बेसिकली क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए हमें वाइट दिख रहा है। चलिए अब मैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और आज के लिए बाय बाय। फिर मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं आपको हर एक डिटेल्स में बताऊंगा कि वेबसाइट को और भी हम कैसे अच्छे से बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक के वे में मैंने आपको बताया है कि वेबसाइट को हम कैसे मतलब बनाते हैं, ठीक है। और वेबसाइट को बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो सब चीज़ें मैंने बताया है। और दूसरी चीज़ है जो मैं अगले वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस थीम के लिए कौन से प्लगइन को यूज़ करना बेहतर होगा, और उस प्लगइन की मदद से हम वेबसाइट के जो फीचर्स हैं उसको हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और हम कैसे इमेज को और भी बेहतर हम बना सकते हैं, या और डिज़ाइन व्यू से हम बोले तो डिज़ाइन और कैसे हम उसको एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ मैं बताऊँगा। ओके, हैव गुड डे, बाय बाय।